महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे दूसरे लैंड आर्डर की स्थिति हो, उनकी चर्चा सदन में कराई जाए। लेकिन उससे भटकाने के लिए सरकार जो है कभी हिंदू की बात करने लगती है, कभी मुसलमान की बात करने लगती है, कभी गंगा की बात करती है, कभी गौ माता की बात करने लगती है। वो जानते हैं कि इस देश के गरीब धर्म कर्म पर विश्वास करते हैं, गाय पर विश्वास करते हैं, गंगा माता पर विश्वास करते हैं, तो इसका फायदा उठा करके जो है लोगों को ध्यान को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है। अभी कहते कि इनका जन्म तो कांग्रेस के समय में हुआ था, जन्म कांग्रेस के समय में हुआ था, पढ़ाई कांग्रेस के समय में किए थे, लेकिन लुटाई तो तुम्हारे समय में कर रहे हैं ना। प्याज देश की समस्या है, भूख पेट, राम मंदिर से पेट भर जाएगा गरीब का, जब रोटी पेट में जाएगी तभी राम मंदिर के दर्शन करने जाएगा। बाबरी मस्जिद का हुआ, शाबाश चढ़ जाओ, गुंबद गिरा दो, जो शहीद होगा स्वर्ग मिलेगा। इनके नेता भी स्वर्ग नहीं जाना चाहते, इनको स्वर्ग नहीं चाहिए, एक भी नेता गया क्या, एक को भी गोली लगी क्या? प्रजातंत्र के प्रति, संविधान के प्रति भारतीय जनता पार्टी और मोदी की नियत ठीक नहीं है। उनको विश्वास बेरोजगारी हटाने पर नहीं है, उनका विश्वास गरीब के पेट में रोटी जाए इस पे नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल साहब, जो रीवा से सांसद हैं। सर, क्या लगता है आज जो है संसद की लड़ाई सड़क पर लड़नी पड़ रही है, जबकि लगातार आरक्षण पर हमला हो रहा है? देखिए, ये जो सरकार है, ये सरकार जनतंत्र विरोधी सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, और ये सरकार पूर्ण रूप से तानाशाह बन चुकी है। इसे अपना अधिकार क्या है, दायित्व क्या है, इसको भूल चुकी है, और इसी वजह से जनप्रतिनिधि जो होता है उसको अपनी बात कहने का हक अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। हम लोग सदन में चर्चा नहीं कर पाते, सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, अगर बोलने का प्रयास करते हैं तो सदन से बाहर कर दिया जाता है। हम लोग गांधी के समाज पर बैठ करके विरोध करते हैं, तो ये प्रजातंत्र की निशानी नहीं है। और इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, जो 90% है, जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और जब एक खून और पसीना इसका बहता है तभी कोई देश प्रगति और विकास करता है। और आप ये बताइए कि अगर इस 90% मेहनत करने वाले लोगों का विश्वास टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा, तो फिर देश कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा? आज ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके विश्वास को मजबूत करना देश के हित में जरूरी है। और इसी बात मुद्दों को लेकर के जो है यहाँ पिछड़ा महासभा के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अपने अपने तरीके से सारे जो सामाजिक संगठन है इस आवाज़ को उपलब्ध कर रहे हैं, इस आवाज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लड़ेंगे, जो देश की आवश्यकता है, संविधान बचाने की जरूरत है, प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का सवाल है। सर, जब हम ओबीसी की बात करते हैं या बहुत जनों की बात करते हैं, SC ST ओबीसी की, कहते हैं कि 90% हमारी संख्या है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं लगातार जो है धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, जातिवाद के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं, चाहे आरक्षण का हो या निजीकरण के रोकने की बात हो, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। और जो जिसकी संख्या, जिस समाज की संख्या इतनी ज़्यादा है, वो समाज ऐसा विफल क्यों दिख रहा है? इसी मुद्दे को तले करके जब हम लोग सदन में चर्चा करना चाहते थे, यही तो चाहते थे कि इस देश की जो चुनौती है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे दूसरे लैंड आर्डर की स्थिति हो, उनकी चर्चा सदन में कराई जाए। लेकिन उससे भटकाने के लिए सरकार जो है कभी हिंदू की बात करने लगती है, कभी मुसलमान की बात करने लगती है, कभी गंगा की बात करती है, कभी गौ माता की बात करने लगती है। वे जानती है कि इस देश के गरीबों की आस्था धर्म पर है, वो जानते हैं कि इस देश के गरीब धर्म कर्म पर विश्वास करते हैं, गाय पर विश्वास करते हैं, गंगा माता पर विश्वास करते हैं, तो इसका फायदा उठा करके जो है लोगों को ध्यान को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है, ताकि जो चुनौतियां हैं उस चुनौतियों का सामना न हो सके, वो सामना करने से डरते हैं। इसी वजह से कह देते कि अगर आज महंगाई बढ़ रही है तो नेहरू की देन है, अब इससे बड़ा हास्यास्पद क्या है? अरे तो पहले भी तो नेहरू थे, जब चुनाव लड़े थे तब भी तो आपको याद होना चाहिए कि नेहरू के महंगाई है तो हम महंगाई कम नहीं कर पाएंगे, जनता को बता देते भाई महंगाई हम नहीं कर पाएंगे, नेहरू की देन, बाकी हम करेंगे। तो ये चुनौतियों से अपने आप को अलग करने के लिए, भागने के लिए सारे संसाधन राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी भागती है।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो रेवड़ी कल्चर है ये देश के लिए बहुत खराब है, युवाओं को बर्बाद करने का साधन है। रेवड़ी कल्चर है क्या, ये मोदी से पूछिए। एक रेवड़ी कल्चर ये है कि गरीब के घर में खाना नहीं है, उसको हम फ्री रोटी दे रहे हैं। गरीब के बिजली का बिल भरने के सामर्थ्य नहीं है, उसको हम सहायता कर रहे हैं कि भाई ये भर सके, इसका कनेक्शन ना टूटे, किसान सिंचाई कर सके, ये दे रहे हैं। ये मोदी जी की नज़र में रबड़ी है। और दूसरी तरफ अडानी अंबानी जैसे लोग जो अरबों कमाने कर्ज लेते हैं भारत से, इनकी आमदनी चौगुनी बढ़ती जाती है लेकिन कर्ज नहीं पटाते, कर्ज नहीं देते बैंक का, चौगुनी आमदनी बढ़ रही है, कर्ज भी बढ़ रहा है और सरकार उनको छूट दे रही है। रेवड़ी वो है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि जैसे विजय माल्या हो या ललित मोदी हो, कि विजय माल्या तो सांसद भी रह चुके हैं, तो आपके जब मतलब कांग्रेस के जमाने में ये चीजें हुई थी, हमारे जमाने में टाइट है एकदम। कांग्रेस के जमाने में इस तरह का कुछ नहीं था। ये जितने इस तरह से फले फूले जितने भागे हैं, अभी कहते कि इनका जन्म तो कांग्रेस के समय में हुआ था, जन्म कांग्रेस के समय में हुआ था, पढ़ाई कांग्रेस के समय में किए थे, लेकिन लुटाई तो तुम्हारे समय में कर रहे हैं ना, तो ये कह दो कि जन्म इनका कांग्रेस के जमाने में था। तो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी टालने का प्रयास करती भारतीय जनता पार्टी और कुछ नहीं करना चाहती है। क्या इस दुनिया के सामने ये नहीं कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अब भूल गए? क्या नहीं कहा था कि GST से जो है तुम्हारा छोटा व्यापारी बढ़ जाएगा? व्यापारी बढ़ा, GST से महंगाई कम हो जाएगी, कम हुई। क्या हुआ इन नारों का? तो इस देश के जनता को इतना मूर्ख समझते हैं कि उसके सामने कुछ भी प्रधानमंत्री कह दे और उसके बाद उसको भूल जाए, देश की जनता भूल जाएगी। ये गलत फहमी उनको है, समय पर निश्चित रूप से याद रखेगी, उसका जवाब देगी। लेकिन सर जो है जनता अभी भी उनके साथ बनी हुई है। कोरोना का मामला हुआ, लॉकडाउन में लोगों ने लाशें देखी, उसके बाद यूपी में चुनाव हुआ, जनता ने उनको सपोर्ट किया। तो मोदी जी कॉन्फिडेंट है और उन्होंने बयान भी दिया था उनके एक नेता ने कि हम 2025 तक 30 तक कहीं जाने वाले नहीं है, तो उनके पास है कॉन्फिडेंस। उन्होंने ऐसा है कि बड़े बार आता है, बड़े बार बड़े बड़े तथ्यों को खा फेंक देता है, टूट जाता है और लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वो अस्किष्ट एक सीमित समय तक होता है, उसके बाद नहीं होता है। गुमराह करने की भी एक सीमा होती है, भटकाने भी की सीमा होती है। वो कोशिश कर रहे हैं, लोग भटके, धर्मान्धता के उसमें आए लोग, उन्होंने वोट दिया, पैसे का खेल हुआ, ये बात सही है, लेकिन वो ज़्यादा स्थायित्व नहीं है। अब इस देश के आम जनता के समझ में भी आ रहा है कि इनकी कथनी और करने में कितना अंतर है। तो जल्दी समय आएगा कि जिस तरह से बढ़े ना, बड़े बार आए उसी तरह समाप्त भी हो जाएगा। लेकिन सर जनता से जो उन्होंने वादे किए थे, 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, मुसलमानों को टाइट करना, उस वो वादे उन्होंने पूरे किए? आप ये बताओ कि आज देश की समस्या है भूख, पेट, राम मंदिर से पेट भर जाएगा गरीब का? राम मंदिर की जरूरत है, आस्था है, लेकिन उसको रोटी चाहिए पहले के लिए चाहिए। जब रोटी पेट में जाएगी तभी राम मंदिर के दर्शन करने जाएगा। तो इस तरह से जो है लोगों को धर्म के नाम पर अफीम खिला देना, भटका देना, बाबरी मस्जिद का हुआ, शाबाश चढ़ जाओ, गुंबद गिरा दो, जो शहीद होगा स्वर्ग मिलेगा, जो गरीब बेचारा स्वर्ग के उसमें सीने पर गोलियां खाया शहीद हो गया। इनके नेता एक भी स्वर्ग नहीं जाना चाहते? इनको स्वर्ग नहीं चाहिए? एक भी नेता गया क्या? एक को भी गोली लगी क्या? तो इस तरह से जो ये करते हैं तो इसका स्थायित्व नहीं है। बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी उसी स्थान पर आ जाएगी। यहाँ सुखी सर आखिरी सवाल, संसद हम लोगों को जाने का मौका नहीं मिलता कभी, अगर मौका मिला देखेंगे। संसद में अब मतलब कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री है वो इतना सीरियस नहीं लेते, कि ना तो संसद में आते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब रेल मंत्री दे रहा है, रेल मंत्री का जवाब IT मिनिस्टर दे रहा है। तो ये संसद जो चल रही है इस टाइम, वो क्या वाकई में हकीकत है क्या? सवाल ये है कि सब कुछ निर्भर करता है कि किसके प्रति किसकी नीयत कैसी है। तो प्रजातंत्र के प्रति, संविधान के प्रति भारतीय जनता पार्टी और मोदी की नीयत ठीक नहीं है, इस वजह से सारी परिस्थितियां होती हैं। उनको विश्वास बेरोजगारी हटाने पर नहीं है,
उनका विश्वास गरीब के पेट में रोटी जाए इस पे नहीं है। उनका विश्वास है कि किस तरह से इस देश में पूंजीपति और मजबूत हो जाए कि पूंजीपति हुकूमत करे और इस देश के 90% मेहनत करने वाले लोग गुलामी करें, इस प्रथा को मजबूत करना चाहते हैं, जिस समय भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो थे हमारे साथ राजामणि सर जो सांसद हैं और खुलकर अपनी बात रखी और आज ओबीसी के आंदोलन में जंतर मंतर पर शामिल भी हुए हैं, जहां पर इन्होंने अपनी बात भी अभी स्पीच करेंगे। तो एक बात समझिए, संसद को अब उस तरीके से सीरियसली नहीं लिया जा रहा जैसे पहले होता था। इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे थे जंतर मंतर से, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जनता आवाज़ दिल्ली।